एवरीवन, होप कि आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा, काफ़ी दिन गुजर चुके थे, कोई ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने नहीं लेकर आई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल बना लूँ और ऐसी टेक्सचर का बनाऊँ जिसका शायद पहले ना शेयर किया हो। आई होप सो कि मैंने शायद नहीं शेयर किया, तो अगर तो किया हो तो सॉरी। लेकिन अभी मैं दोबारा से जो है वो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ मड टेक्सचर का। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा मड टेक्सचर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि मड नहीं है, रेड डर्ट है, ये ब्राउन डर्ट है, ये फलां डर्ट है। तो भाई पहली बात तो ये कि हमारा टेक्सचर है जो मर्जी ना दे, ठीक है। दूसरी बात ये कि कुछ ये उनके लिए जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नुकताचीनियाँ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। सो बाकी जो मेरे ट्यूटोरियल्स को पसंद करते हैं, हम लोग के टेक्सचर्स को पसंद करते हैं, उनके लिए बता दूँ कि हम इसको मड टेक्सचर कहते हैं। बिकॉज ये कि एक तरह से ना ये हमारे पास एक अर्थी सा टेक्सचर था, मड लाइक ही टेक्सचर था, वो एक तरह की मड ही थी, वो शिफ्ट हुई थी हमारे पास, वो टेक्सचर हमने ख़त्म किया था। इसके अलावा इसमें कुछ जो है वो ब्राउन डर्ट भी थी जो कि हम लोगों ने पिछली ग्रीनी रेड डर्ट से निकाली थी। तो कुछ एक तरह से कह लें कि ये अर्थी टेक्सचर है, ठीक है, तो मड की तरह दिखता है और कुछ ये मड ही थी पहले, ठीक है। बीच में इसके चले कुछ वो जो शिफ्टिंग से टेक्सचर शामिल हुए उनमें कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत सैंड भी होती है, थोड़ा बहुत उनमें जो है वो ब्राउन डर्ट या मड एक ही बात होती है, ठीक है। तो वो इस तरह का टेक्सचर है, अर्थी से टेक्सचर है, तो इस वजह से हमने इसको मड टेक्सचर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली ये डिज़र्व भी वही नाम करता है, ठीक है। तो अब हेयर विदाउट इसके नाम के बगैर अब मैं इसका जो है वो ट्यूटोरियल दिखाऊंगी। अच्छा, पानी ऑलरेडी इसमें है क्योंकि इसकी वीडियो जो है वो इस बार हमने शूट की थी, ठीक है। अब मुझे इसकी शेप्स बनानी है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। साथ साथ जो कोई गुठलियाँ होंगी वो मैं तोड़ती रहूँगी आप लोगों के सामने ही। जगह क्लियर है, नीट है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर इसकी मैं शेप्स वगैरह डालूंगी। साथ हमारा ये दरख्त ऊपर भी आ गया है सेंस से, ये तो ये वो जगह है जहाँ पर इसका हम शेप लिफ्ट करेंगे। ये रहा हमारा टेक्सचर, ठीक है। तो मैं स्टैंड को एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, साथ साथ मैं घुमाती भी रहूँगी जहाँ जहाँ मुझे घुमाना पड़ेगा। अभी तो मैं एक हल्की फुल्की मिक्सिंग आप लोगों के सामने इसकी कर देती हूँ। ऑल दो इतनी नीड नहीं है, लेकिन कुछ दूसरी बात, ये टेक्सचर अगर रेड डर्ट होता तो ये इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता और ये हार्ड भी ना होता, लेकिन ये टेक्सचर कम पानी मांगता है क्योंकि मडी टेक्सचर है। मड आपको पता है मिट्टी जो होती है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑल दो कम्प्लीट मड नहीं होगी, लेकिन ये मडी सा टेक्सचर है तो इसमें अगर ज़्यादा पानी हो तो ये सख्त हो जाता है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ जाए। सो बहुत कम पानी हो तो ऑफकोर्स सुपर सॉफ्ट शेप होती हैं, लेकिन ये समझ लें नॉर्मल से भी कम पानी ही मांगता है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़रा सा भी ज़्यादा डाल दें तो उसकी शेप हार्ड होती है और वो फिर कम्बल करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए हम इसमें पानी कम ही रखते होते हैं। अब इसकी वीडियो शूट हुए मतलब एक दिन गुजर चुका है, इसको कल भी धूप लगी है, आज भी इसको दिन की धूप लगी है, अब जाके इसमें पानी मुझे लगता है कि नॉर्मल हुआ है, तो मैं इसी बनाने जा रही हूँ। क्योंकि ये वो टेक्सचर है कि अगर हम कहें कि अभी हमने इसकी वीडियो बनाई है वाटर क्रमलिंग और डिविंग वगैरह की और उसी टाइम हम इसकी और शेप्स बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है क्रमलिंग करते टाइम जो है वो हम लोग काफ़ी सारा पानी डालते हैं साउंड के लिए, तो उस टाइम इसकी फ़ौरन से शेप्स नहीं बन सकती, ठीक है। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है काफ़ी हद तक और अब मैं इसकी यहाँ पर शेप्स बनाऊँगी ओके, आप लोगों को इजीली टेक्सचर भी दिख जाए और शेप भी दिख जाए। मैं पहले आप लोगों के सामने इस तरह से एडजस्ट करूँ कि कुछ मैं शेप भी कर पाऊँ और कुछ, तो सबसे पहले तो ये वो शेप है जो मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा पास पानी भी रखा हुआ है, अगर कहीं पर मुझे कम फील हुआ तो मैं डाल लूँगी, ठीक है। क्योंकि ये शेप मैं प्लेन सी बनाने जा रही हूँ, ठीक है, स्लैब टाइप है, ताकि ये हार्ड भी ना हो और इसकी ऐसे डिफरेंट न्यू शेप है तो बन दी जाए।
टेक्सचर को अच्छा सा गुड मिक्स किया, अच्छा सा और गुड एक ही बात होती है, अच्छे से मिक्स किया है। और अब हम इसको थोड़ा सा वे यहाँ पर जगह डैमेज हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि ये टेक्सचर है प्योर, तो प्योर को ज़रा सा भी कोई शेप टच करेगी तो वो ख़राब होगा। दोबारा मैं इसको सेट करने की कोशिश करती हूँ। दूसरा ये हमारी जो शेप है ये ऐसे बकेट टाइप है, तो इसलिए भी थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन बन जाएंगी। ये देखें यहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये इसकी साइड है। अब इसको भी इधर ही ये इसके साइडों पे सुराख है, बकेट है ये, थोड़ा सा मैं याद कर रही हूँ। ये सही है, मुझे लगता है मुझे ज़रा सा यहाँ पर पानी ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि एक तो शेप भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, न्यू शेप है, वहाँ तो पानी ठीक है। ये जो साइड का टेक्सचर है ना ये थोड़ा सा ड्राई होता है क्योंकि धूप लगी है टेक्सचर भी। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे लगेगी ज़रूरत, ताकि ये ना उन्हें शेप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट निकले। चलिए परफेक्ट, लेकिन मानी की थोड़ी सी कमी थी, कुछ और शेप्स आप लोगों के सामने निकालूंगी और फिर मैं ट्यूटोरियल को एंड करूंगी। आप लोगों ने बताना है ट्यूटोरियल कैसा लगा और काइंडली एंड तक देखा करें। बहुत से बातें हमें बीच में याद आती रहती हैं जो हम लोग शेप्स बनाते करते रहते हैं आप लोगों के साथ। मैं इसको कहीं पर कर देती हूँ, ये देखें परफेक्ट। ये रही ये चार स्लैब्स जो हैं जो कि मड टेक्सचर की मैंने आप लोगों के सामने बनाई हैं। बाकी टेक्सचर को भी मैं इसी तरह मिक्स करके बना लूँगी। तो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोगों ने लाजमी बताना है मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।